क्लास टेंथ मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 है हमारा, दो चर वाले रैखिक समीकरण योग, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, उसमें हम प्रश्न नंबर 3 से 4 को सॉल्व कर रहे हैं और इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में जो ये क्वेश्चन थे 4, इसको हमने दोनों मेथड से किए थे, विलोपन विधि भी और प्रतिस्थापन विधि भी। उस वीडियो को ज़रूर देखना, बाकी चैप्टर भी मैंने करा रखे, उनके लिंक्स भी मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वीडियो को देख सकते हैं, सीख सकते हैं। इस वीडियो में देखो जो सेकंड नंबर के जितने भी पार्ट्स हैं, 5 पार्ट्स, सारे क्वेश्चंस करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें ये जो क्वेश्चन है 3rd क्वेश्चन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे जो मिलते जुलते क्वेश्चन हमने 1st 2nd वो पहले ही कर रखे हैं, इस वजह से वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन 3rd है वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, हर में 1 घटा दें तो भिन्न में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो ये 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है। देखो, और एक चीज़ इसमें मेंशन किया, ये हल तभी करना है जब उनका अस्तित्व हो, और ये जो क्वेश्चन है ना सारे सॉल्वेबल हैं, क्योंकि मेरे को पढ़ाते हुए 12 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है आज की डेट तक। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन में पार्ट 1 में सेकंड में क्या निकालना है, सेकंड के पार्ट 1 में हमें भिन्न निकालना है, कि माना कि वो भिन्न क्या है, x/y। आपको पता है ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं, अंश, नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं, हर। तो हमें भिन्न निकालना है, अगर x पता चल जाए, y पता चल जाए तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ आ जाते हैं प्रथम शर्तानुसार, और देखो इसमें आप कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हो, वज्रगुणन, विलोपन, प्रतिस्थापन, जो आपको अच्छा लगता है। ठीक है, लेकिन मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा आपको कि आप विलोपन ही यूज़ करना, वो ज़्यादा ईजी होता है, ज़्यादा सरल होता है। तो कह रहे प्रथम शर्त अनुसार में कि जो भिन्न है हमारे पास, अगर हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो वो भिन्न 1 में बदल जाती है। ठीक है, तो इसके बट्टे में कुछ नहीं तो लिख सकता हूँ मैं, त्रिचुणा कर दूँगा। किसी भी संख्या को जब हम 1 से गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है, वही रहता है या -1 है। ठीक है, सो देखो ये x प्लस का वाई दर्जा के माइनस का वाई हो जाएगा, -1, ये प्लस का 1 दर्जा के माइनस का वाई, सो x माइनस वाई कितना हो जाएगा, 2। पहला समीकरण। फिर आ जाओ द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्त में क्या बोल रहे हैं कि जो भिन्न है आपके पास x/y है ना, यदि हर में 1 जोड़ दें, सिर्फ हर में ही 1 जोड़ना है तो वो 1/2 हो जाती है। ठीक है, हर में ही आपको क्या करना है, 2 जोड़ना है तो वो 1/2 हो जाती है। तिरछा कर देंगे, 2 को x से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x, और y+y1 2x, ये प्लस का वाई इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस के वाई, इधर बचा 1, तो ये दूसरा समीकरण हो जाएगा। अब देखो ये विलोपन विधि से करना आसान हो जाएगा, क्योंकि y का गुणांक दोनों में क्या है, समान है। सो लिख, विलोपन विधि से यूज़ करेंगे हम समीकरण 1 तथा 2 से ऐसे लिख देना है। और मैंने आपको क्या बोला है, जब चिन्ह समान रहते हैं तो घटाते हैं, और घटाने पर चिन्ह बदलता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, प्लस माइनस कटा सेम, माइनस के 2x में से प्लस का x घटा हुआ है तो माइनस का x, और यहाँ से माइनस के 3, माइनस के 1, माइनस का 2, दोनों तरफ माइनस कटा तो x का मान कितना आ गया, 3। अब x का मान किसी भी समीकरण में रख दो, समीकरण 1 में रखते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर कितना है, 3 - y = -2, सो माइनस का 2 उधर के प्लस का 2, माइनस के उधर जाके प्लस के वाई, तो y का मान कितना हो गया, 5। तो भिन्न क्या हो जाएगी, भिन्न को हमने x/y माना था, x आया है 3, y आया है 5, तो ये आंसर हो जाएगा 3/5, हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आया समझ में। अब एक चीज़ देखो, अस्तित्व की बात बोली थी इसने, अस्तित्व की बात कब होगी, देखो वैसे अस्तित्व की बात तो इस क्वेश्चन में करने की ज़रूरत थी नहीं, फिर भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पर a1 क्या होता है, देखो
ए वन बट्टा ए टू अगर निकालोगे तो एक, और यहाँ पर क्या था ए टू दो एक्स इसका गुणांक ना, और बी वन बट्टा बी टू क्या था देखो माइनस का एक माइनस का एक कटा। सो एक बन ए वन बट्टा ए टू का मान बी वन बट्टा बी टू के बराबर नहीं था तो केवल एक हल होता है तो अस्तित्व था तो ये हल हो जाता। हो भी गया देखो 3/5 आया ना आंसर, एक्स और वाई के मान निकल गए थे। तो ये चीज़ थी, तो अस्तित्व वाला पोर्शन ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, सेकंड पार्ट, सेकंड का सेकंड पार्ट, ठीक है क्वेश्चन पे आ जाओ। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहे हैं, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, नूरी और सोनू की आयु कितनी है? ठीक, तो मान लेते हैं, माना नूरी की वर्तमान आयु 100 वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु वाई वर्ष, ठीक है ये हमने मान लिया। 5 वर्ष पूर्व, पहले कंडीशन में 5 वर्ष पूर्व, यहाँ लिख देना प्रथम शर्तानुसार 5 वर्ष पूर्व, पूर्व में क्या होता है घटाते हैं, पूर्व मतलब पहले। अभी अगर 10 वर्ष थी तो 2 वर्ष पहले कितनी थी 8 वर्ष, कैसे निकाला घटाने पर, तो पूर्व का मतलब होता है घटाना है। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु क्या होगी, अभी एक से 2 5 घटा दो, इसी तरह सोनू की भी निकाल लो, सोनू की आयु ठीक। फिर लिखो यहाँ पर प्रश्नानुसार क्या बोला था क्वेश्चन ने, कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है, मतलब सोनू छोटा है 3 गुनी थी, मैंने बोला था ये बड़ा है और ये छोटा है, कितनी गुनी थी 3 गुनी, तो छोटे वाले में 3 से गुणा कर दो बराबर यहाँ लगा दो, ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी करे हैं। 3 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3y, 3 × 5 = 15, प्लस का 3y इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 3y, माइनस का 15 तो यहाँ पहले से है, माइनस का 5 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस के 5, तो माइनस 5 और प्लस 5 हटा दोगे तो माइनस के 10 आ जाएगा। समीकरण एक। अब आ जाओ फिर यहाँ पर द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्त में क्या बोल रहे हैं, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु पश्चात मतलब बाद में, अभी अगर 10 वर्ष है 2 वर्ष बाद कितनी होगी 12, 2 जोड़ना है तो 10 वर्ष पश्चात बोलो तो 10 जोड़ दो, ठीक है वाई प्लस 10 वर्ष। अब फिर क्या लिखोगे प्रश्नानुसार, क्या बोलता है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगनी हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी मतलब छोटे वाले में किससे गुणा करना है 2 से, और यहाँ पर इक्वल लगा देना है बराबर लगा देना है, तो 2 से अंदर गुणा कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 2y, 2 × 20, ये प्लस का 2y था क्या हो जाएगा माइनस के 2y, प्लस के 10 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस के 10, सो एक्स माइनस के 2y बराबर 10। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल कर लो आपको आंसर मिल जाएगा। समीकरण 1 तथा 2 से पहला क्या था
एक्स माइनस थ्री वाई बराबर माइनस के टेन, दूसरा क्या था एक्स माइनस टू बराबर टेन। ठीक है, देखो एक्स के गुणांक समान है और प्लस के चिन्ह दोनों ही सेम चिन्ह होने पर क्या करते हैं, घटाते हैं, और विपरीत चिन्ह होने पर जोड़ते हैं। लिख लेना नहीं तो बाद में भूल जाओगे। और घटाने पर चिन्ह बदलता है, प्लस का नेगेटिव हो गया, नेगेटिव का प्लस हो गया, प्लस का नेगेटिव घटा, प्लस के माइनस के तीन वाई, प्लस के दो वाई, तो यहाँ से माइनस के वाई, और यहाँ से माइनस के बीस, माइनस का दस, माइनस के दस, माइनस से माइनस कैंसिल, वाई की वैल्यू क्या गई 20 वर्ष। और वाई हमने किसको माना था, सोनू को माना था, तो सोनू की आयु कितनी होगी 20 वर्ष होगी। वाई का मान किसी एक समीकरण में रख दो, चूँकि एक्स माइनस तीन वाई बराबर हमारे पास क्या था माइनस के दस, समीकरण नंबर एक, तो वाई का मान यहाँ रख दो, बीस दिया 60, माइनस का 60 हो जाके क्या हो जाएगा प्लस के 60, तो 60 में से 10 घटाएंगे तो कितना जाएगा 50। ठीक है, तो नूरी की आयु कितनी होगी 50 वर्ष, और सोनू की आयु कितनी है 20 वर्ष, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अब आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का दुगुना है, वह संख्या याद कीजिए। ठीक है, सबसे पहले तो देखो एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, माना दो संख्या है ना, एक इकाई का अंक होगा एक दहाई का अंक होगा, जैसे कि सपोज करो 15 लिख दिया, तो ये इकाई का अंक है ये दहाई का अंक है। ठीक है ना, तो माना इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y है। ठीक है, तो जो व्यापक पद होता है किसी भी दो अंक का, उसे हम इस प्रकार लिखते हैं 10y प्लस एक्स। ठीक है, ये व्यापक पद होता है आपका। अब आप बोलोगे सर कैसे बोल रहे हो, यानी कि अगर मैं 15 को लिखूंगा तो x की जगह पे तो देखो 5 और y की जगह पर 1 है ना, तो मैं बोल रहा हूँ 10y प्लस एक्स, यानी कि किसी भी दो नंबर को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, 10 एक्स के जगह 5 रखो, 10 एक कम 10 प्लस 5 यानी कि 15 आ रहा है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है किसी भी दो अंक का। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, हमें अब वाई और एक्स का मान चाहिए और यहाँ पर रख देंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो क्वेश्चन में बोला है कि दोनों संख्याओं को इकाई और दहाई को अगर जोड़ दे तो 9 आता है, प्रथम शर्तानुसार कि इकाई और दहाई के अंक को जोड़ते हो तो 9 आता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो पहला आ गया। द्वितीय शर्त में क्या बोलते हैं, द्वितीय शर्त में उसने ये बोला है इस संख्या का 9 गुना वास्तविक संख्या का 9 गुना, यहाँ लिखोगे वास्तविक संख्या का 9 गुना किसके बराबर है, दुगुना है पलटने वाली संख्या के, पलटने वाली संख्या के दुगुना, ये बोला है क्वेश्चन ने। तो वास्तविक संख्या क्या है, देखो हमारे पास 10y प्लस एक्स है, और पलटने वाली क्या होगी, एक्चुअली ये जो ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा पलटने पर, तो ये हो जाएगा 10x और ये हो जाएगा वाई। ठीक, अब गुणा कर दो तो यहाँ से हो जाएगा 9 दहाई 90y, 9 एक कम 9x 20x प्लस 2y। ठीक है, अंदर गुणा कर दिया, अब x को एक तरह ले जाओ y को एक तरह ले जाओ, 90y में से 2y घटाएंगे तो 20x में से 9x घटाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा 88y और यहाँ आ जाएगा 11x,
ग्यारह गुड़े में रखे क्या हो जाएगा बट्टे में, ग्यारह अट्ठे अट्ठासी, एक्स का मान क्या आ गया 8y। ठीक, अब एक्स का मान क्या करेंगे समीकरण नंबर दो में रख देंगे, ठीक एक्स का मान कितना आया था 8y, यहाँ रख दो, तो यहाँ से आ जाएगा 9y बराबर 9, 9 बट्टे 9 एक कम 9, तो y का मान कितना आ गया 1। ठीक, चूँकि x प्लस वाई बराबर हमारे पास कितना था 9, y का मान आया है 1, रख देंगे 1, तो x का मान क्या आ जाएगा 9 प्लस का बने देखे माइनस का बन जाएगा, तो x का मान कितना आ गया 8। अतः वास्तविक संख्या क्या मानी थी हमने 10y प्लस x, तो y का मान कितना है 1 और x का मान कितना है 8, 10 एकम 10 प्लस 8, तो कितना जाएगा 18, ये हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। ठीक, आई थिंक ये भी आपको समझ में ज़रूर आया होगा, इसी बात पे वीडियो को एक लाइक करो और फटाफट कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक, ये क्वेश्चन भी हो गया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खंचा जी मतलब कैशियर से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ जो आप डेली लाइफ में करते हैं। सपोज़ करो आपको 2 रुपये का सिक्का है और आपको 5 रुपये का सिक्का निकालना है, आप दुकान गए, ठीक है, आपने 2 रुपये के 5 सिक्के दिए दुकानदार को, तो मतलब कितने रुपये दिए आपने 10 रुपये, और आपने 5 रुपये के 2 सिक्के दिए तो दुकानदार को कितने रुपए दिए आपने 5 × 2 = 10 रुपये दिए। कैसे निकालना, 2 × 5 किया था, यहाँ पर क्या किया था 5 × 2 किया था, तभी निकला, ठीक है ना। और आपने टोटल कितने सिक्के दिए थे 5 × 2 = 7 सिक्के दिए थे, तो ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है हमें, ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन हमें यहाँ दे रखा है। तो शुरू करते हैं फोर्थ पार्ट, माना 50 रुपये के नोट एक्स तथा 100 रुपये के नोट वाई है, 50 रुपये के कितने नोट हैं एक्स, यानी कि उसने बोला कुल कितने नोट हैं प्रथम शर्त अनुसार, नोटों की संख्या कितनी है 25 है, यानी कि x प्लस वाई 50 के नोट और 100 के नोट मिला के कितने नोट हैं 25, तो एक समीकरण तो यही बन गया। ठीक है, फिर देखो कुल रुपए कितने हमारे पास है 2000 रुपये निकालने हैं, 50 रुपये के कितने नोट निकाले हमने x नोट, तो कितने रुपए हो जाएंगे 50x, गुणा कर देते अभी मैंने बोला, प्लस 100 रुपये के कितने नोट हैं हमारे पास y नोट, तो 100y, कुल मिला के कितने रुपए हम निकालेंगे इनसे 2000 रुपये के बराबर होगा। यहाँ से क्या कॉमन है 50, कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ, जिसका भागा चला जाता है दोनों में, 50 एकम 50 पूरा भार है, तो यहाँ से x बचा 50 × 100, यहाँ गुणे में इधर के क्या हो जाएगा बट्टे में, एक जीरो से एक जीरो कटना, 25 को 20 पीछे से 0, सो एक्स प्लस 2y कितना हो गया 40। समीकरण नंबर 2, अब समीकरण 1 और इसको हल करेंगे तो x और y के मान आ जाएगा, आंसर आ जाएगा,
विलोपन विधि से हल करते हैं। समीकरण एक तथा दो से, पहला समीकरण था x प्लस वाई बराबर 25, दूसरा था x प्लस 2y बराबर 40। समान चिन्ह पे क्या करते हैं, घटाते हैं, प्लस का माइनस माइनस घटाएं, वाई में से 2y घटाएंगे तो माइनस के वाई, 40 में से 25 घटाएं तो माइनस के 15, दोनों तरफ नेगेटिव है घटा, वाई का मान कितना जगह 15, यानी 100 रुपये के कितने नोट निकाले, 15 नोट, एक आंसर तो यही मिल गया। और हमारे पास एक समीकरण क्या था, x प्लस वाई कितना था, 25 था, वाई का मान कितना है अभी हमने निकाला, 15, प्लस का 15 उधर जाके माइनस का 15 हो जाएगा, तो कितना आ गया 10, यानी कि 50 रुपये के कितने नोट थे, 10 नोट थे, और 100 रुपये के कितने नोट थे, 15 नोट, आ गया आंसर। ये लिख देना आपको एंड पे, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, एक लाइब्रेरी है, पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी है ना, कह रहे किराए पर पुस्तकें देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, मतलब 3 दिन में आपको इतने रुपए देने पड़ते हैं, उसके प्रत्येक दिन अतिरिक्त दिन का किराया अलग है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के 27 रुपये दिए, जबकि शोशी ने उस पुस्तक को 5 दिनों तक रखने के 21 रुपये दिए। नियत किराया और प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। माना नियत किराया कितना था, 3 दिन का, कितने रुपए मान लेते हैं, 100 रुपये, तथा प्रतिदिन अतिरिक्त किराया ₹Y। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमें निकालनी है प्रथम शर्तानुसार। सात दिन के लिए इसको कितने रुपए देने पड़ते हैं, 27 रुपये। 7 दिन में से देखो 3 दिन तो फिक्स हो गया, 3 दिन के लिए एक्स बचे, कितने एक्स्ट्रा, 4 दिन, और हर एक दिन का किराया ₹Y, तो 4 दिन का कितना हो जाएगा, 4Y, तो एक्स प्लस 4Y बराबर कितना हो जाएगा, 27 रुपये। और शोशी ने कितने लिए थे, 5 दिन के लिए, द्वितीय शर्तानुसार। थोड़ा सा और बढ़ा के लिख सकते हैं इस क्वेश्चन को, 7 दिन के लिए ऐसे लिख देना, 7 दिन के लिए अतिरिक्त दिन 4 और नियत 3, 5 दिन के लिए नियत 3 अतिरिक्त, तो सो 5 दिन के लिए नियत तो 3 हो गए, 3 दिन के लिए ₹100 और अतिरिक्त कितना बचा, 2, तो 2Y, कितने रुपए देने पड़ते हैं उसको, 21, तो ये दूसरा समीकरण आ गया। समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करेंगे, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। समीकरण 1 तथा 2 से, प्लस घटाने पर चिन्ह बदलता है, प्लस माइनस घटा, 4Y से 2Y घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2Y, 7 में से 11 6, 2 में से 2 गया, बस 6/2, क्योंकि 2 गुणे में जाके बट्टी में आ जाएगा, 2 3 6, तो वाई का मान कितना आएगा, 3, मतलब प्रत्येक अतिरिक्त दिन का जो क्रिया है वो कितने रुपए, 3 रुपए है। उसके बाद हमारे पास दूसरा समीकरण क्या था, एक्स प्लस 2Y बराबर 21, सो वाई का मान कितना है, 3, प्लस का 6 इधर के माइनस का हो जाएगा, तो कितना जाएगा, 15, सो जो नियत भाड़ा है वो कितना है, 3 दिन का, 15 रुपये, और अतिरिक्त किराया एक दिन का कितना है, 3 रुपये, सिंपल। तो ये हमारा आंसर मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करना,
डिस्क्रिप्शन में मैंने बहुत सारे वीडियोस के लिंक दिए हैं, उनको ज़रूर देखना। जय हिंद।